नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। भारत सोने की चिड़िया था या नहीं था, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर कोई नरक से निकलकर भारत आता है तो वो ये जरूर कहता है कि हाँ, जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि वो पहले नरक में था, यानी कि पाकिस्तान को देख कर आया रहता है। आज हम अपनी स्टोरी में एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताएंगे जो गुलाम कश्मीर से आजाद कश्मीर यानी कि भारतीय कश्मीर में बहू बनकर आई है और आते ही इतिहास रच दिया। पाकिस्तान दुनिया भर में भले ही कश्मीरियों पर जुल्म के झूठे दावे करे, पर उनके इन सभी दावों को आसिफा तबस्सुम की जीत ने झुठला दिया है। आसिफा खुद कहती है कि उसे जिस तरह से यहाँ के लोगों ने अपनाया, उसे अपना नेता चुना, ये पाकिस्तान में कभी भी संभव नहीं था। वहां किसी दूसरे देश या फिर भारतीय लड़की अगर शादी कराती है तो उसको इतना प्यार नहीं मिलता। आसिफा कहती है कि सही मायनों में जमहूरियत और आजादी भारत में ही है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं महसूस करती हूँ, मेरी जीत इसकी तस्दीक करती है। आसिफा तबस्सुम ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे उरी सेक्टर में स्थित परनपीला ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। आसिफा का गांव एलओसी के पास कंडी बरजाला है, वो इसी गांव की बहू है। उनका मायका एलओसी के उस पार गुलाम कश्मीर में है, जहाँ भारत के खिलाफ जिहाद करने वालों की ट्रेनिंग कैंप है। आसिफा के पति मंजूर अहमद कई बार गुलाम कश्मीर गए और वहीं पर मुजफ्फराबाद के पास चिनारी गांव में दोनों के बीच मुलाकात हुई, फिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद आसिफा मंजूर के साथ भारतीय कश्मीर आ गई और अपनी घर गृहस्थी का काम शुरू कर दिया। आसिफा बताती है कि इसी बीच इसी साल चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो चुनाव लड़ी और जीत गई। वो कहती है, अब मैं जनता के लिए काम करूंगी। आसिफा कहती है कि गुलाम कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आसमान जमीन का फर्क है। भारत में लगता है कि जिंदगी खुशनुमा है और वहीं पाकिस्तान में लगता है कि नरक मचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है जम्मू कश्मीर के आधे भाग का। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए लोगों ने मुजफ्फराबाद में जबरदस्त मार्च निकाला और इसे दबाने के लिए सेना ने गोली चलाई और जमकर उत्पात मचाया, जिसमें दो नागरिकों की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है और क्या हो रहा है। ऐसे में एक लड़की का इस तरह से बयान देना पाकिस्तान की करतूत को खोलना है और इसे समझने की जरूरत है।